बायो-सावर्ट लॉ। ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है मान लीजिए कि अपने पास एक कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक। तो जैसे हमने कूलम लॉ देखा था, कूलम्स लॉ क्या बता रहा था, कूलम्स लॉ बता रहा था किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी डिस्टेंस पे वो कितनी होती है। उसी तरीके से बायो-सावर्ट लॉ अपने को कॉन्सेप्ट देता है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे देता है कॉन्सेप्ट, मान लो कि ये कहता है जैसे वहां पे पॉइंट चार्ज था, यहां पे पॉइंट चार्ज ना लेके हम लेते हैं करंट एलिमेंट। क्या लेते हैं, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब समझे, बहुत छोटे 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 टुकड़ों में इस वायर को हमने ब्रेक किया और उन छोटे टुकड़ों में से, मतलब बहुत ही छोटे टुकड़े हैं ये, इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़े में ब्रेक किया हमने और उसमें से एक और भी छोटा टुकड़ा हमने कंसीडर किया जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं डीएल है। क्या है, डीएल। अब इसी को हम कह लेंगे करंट एलिमेंट। अरे जो करंट एलिमेंट है ये वेक्टर टाइप की चीज होती है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो आईडीएल है। क्या है, आईडीएल। हम कहेंगे आईडीएल को अगर एक साथ कंसीडर किया जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, एक करंट एलिमेंट है, एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसकी लेंथ डीएल है। अब यहां से बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, यहां से मान लो ये करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन थी, यहां से थीटा एंगल पे बनाते हुए आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है, कोई एक पॉइंट पी है, तो इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो सपोज दैट डीबी। तो इन्होंने बताया कि जो ये छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई, ये पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के, आईडीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है छोटी सी, वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी जो ये डिस्टेंस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/r2। अच्छा ये यहीं पे नहीं रुक गए, जैसे वहां पे हमने कहा था तो हमने कहा था कि e proportional to q and e proportional to 1/r2, बट यहां पे एक चीज और, यहां पे डायरेक्शन भी मैटर करता है। इन्होंने कहा कि जो ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन के साथ कैसे वेरी करती, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर हम इन तीनों को 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट को अगर हम मिक्स करें, बायो-सावर्ट के ये तीनों स्टेटमेंट हैं इनको अगर हम मिक्स करें तो अपने को क्या मिलेगा, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या डी बी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी लेके आओ म्यू नॉट अपॉन 4π आई बी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसे बच्चों वहां पे एप्सिलॉन नॉट आया था ऐसे यहां पे आया क्या, म्यू नॉट। म्यू नॉट को हम कहेंगे परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यानी कि कोई भी यहां जैसे म्यू नॉट जो है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एयर है, एयर और फ्री स्पेस। जैसे हमने कहा कि यहां पे अभी हमने मान लो कि एयर कंसीडर किया है चारों तरफ, तो हम कहेंगे ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या आएगी ऑफ एयर। अगर यहां पे कोई दूसरा मीडियम होता तो वो उसकी परमिबिलिटी आती है। अच्छा ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी से समझें, ये देखो दो टर्म मिल गए, दो टर्म है
परमिशन ऑफ एबिलिटी, यानी कि कितना एबल है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी एलिमेंट, उसी को स्ट्रेंथ को हम क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी, यानी जो भी मटेरियल जो भी मीडियम होगा वो कितना एबिलिटी है उसकी कि वो परमिट कर सके कि वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आए। तो अगर आप ध्यान से उससे कंपेयर करेंगे तो वहां क्या आ रहा था, के क्यूब बाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ रहा है, के की जगह पे आ रहा है म्यू नॉट बाई फोर पाई, क्यू की जगह पे क्या आ रहा है आई डी एम, आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर ही आ रहा है, एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है साइन थीटा। अच्छा अब साइन थीटा का लोचा समझें, इन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अच्छा डायरेक्शन निकालने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका, हमेशा जो अपनी थंब है थंब को वायर में जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उधर की तरफ रखें, और अपनी उंगलियों को पॉइंट आउट करें जिधर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा इस साइड जा रहा है अंगूठा तो इधर ही रखेंगे हम अपना थंब, और मैं जो उंगलियां हैं उसको किधर पॉइंट आउट करेंगे, पी की तरफ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो किधर की तरफ गया मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस, तो हम कहेंगे अंदर की ओर, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या आएगी, क्रॉस आएगी। अच्छा और देखिए अगर हम वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने कहा भाई साहब पहली बात तो ये है ये आईडीएल एक वेक्टर है, और इसके अलावा और क्या वेक्टर हो सकता है, हम कहें कि मान लो कि यहाँ पे आर कैप होता, क्या होता, आर कैप होता, तो हम कहते कि भाई साहब ये आईडीएल और आर कैप का अगर मैग्नीट्यूड लेना तो आर कैप का मैग्नीट्यूड तो वह नहीं है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन अगर कॉस थीटा होता तो हम कहते डॉट प्रोडक्ट होता, कॉस साइन थीटा है इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट होना भी चाहिए क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें वेक्टर फॉर्म में डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर बाई, तो कॉन्स्टेंट, अपने को वेक्टर किसका किसका लेना है, प्रोडक्ट, एक वेक्टर तो है आईडीएल और दूसरा वेक्टर क्या है आर कैप, दूसरा वेक्टर कौन सा है आर कैप। ध्यान से देखें हम क्या लिखें, तो हमने कहा आईडीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा को गायब कर दिया मैंने, साइन थीटा को गायब कर दिया, तो यहां पे क्या है आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली आर कैप है क्या, आर कैप इज द रेडियस वेक्टर अलोंग पॉइंट पी, अलोंग पॉइंट पी, और आर वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर इसी का पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। तो हमने कहा कि भाई साहब जो डी बी आएगा वेक्टर में वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर बाई आर कैप की वैल्यू ये वाली वहां पे रखें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को, और आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो भी अपना चाहे वो स्केलर फॉर्म हो या वेक्टर फॉर्म हो, कहीं ना कहीं वो जो स्केलर फॉर्म है वो किससे रिलेट कर रहा है, अपना कूलम्स लॉ से। वहाँ पे हम पॉइंट चार्ज की बात करते थे जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ पे हम करंट एलिमेंट की बात करें, करंट एलिमेंट मतलब बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है,